तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के एपिसोड 1 की। तो कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है, पर फिलिप मिलर पृथ्वी पर एक अंतिम इंसान बचा हुआ व्यक्ति है। वह पिछले एक साल से अकेला रह रहा है और अधिक लोगों की तलाश के लिए अमेरिका घूम रहा है। वह हर एक राज्य में जाता है और खाली शहरों को मार्क करता है और संग्रहालयों से कलाकृतियां और महंगी पेंटिंग चुराता है। इंसानों को खोजने के असफल मिशन के बाद फिलिप अपने शहर टक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी वह आखिरी प्रयास के रूप में वह हर बिलबोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर घोषित करता है। और वह अगले कुछ दिन सभी प्रसिद्ध चित्रों, व्हाइट हाउस की एक चटाई, अपनी एक तस्वीर और अन्य वस्तु सजाने में बिताता है। लेकिन हर दिन सोने से पहले फिलिप हाथ की लकीरें घिसने के लिए भगवान से माफी मांगता है और चाहता है कि वह मृत्यु से पहले कम से कम एक लड़की से मिलवा दे। अगले दिन ऐसी ढेरों कारें हैं जिनका इस्तेमाल वह ड्राइव करने के लिए कर सकता है। वह अपने अंडरवियर में किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का उपयोग करके कांच फोड़ता है। केवल एक साल में वह इंसानी रवैये को पूरी तरह से भूल गया है क्योंकि उसे सबक सिखाने वाला कोई नहीं है। वह सब कुछ करता है जो वायरस से पहले सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोर में डिब्बे के ढेर को नष्ट करना और सैकड़ों एडल्ट फिल्मों को घर लाना। समय बिताने के लिए वह खुद के साथ रैकेट बॉल खेलता है, लैंप और एक्वेरियम का उपयोग बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। यह उसका पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने में मदद करता है। लगभग एक महीने के बाद वह अपनी बुद्धि खोने लगता है। इसके अलावा उसके जन्मदिन पर अकेले रहना उसे वह सब कुछ याद दिलाता है जब जीवन सामान्य था। वह अपनी माँ, अपने जीवन और सामान्य रूप से लोगों को याद करता है, जबकि सीन कुछ महीने बाद कट जाता है। अब फिलिप जिस भव्य हवेली में रहता था वह अब कचरे के ढेर में बदल गई है, जिसे वह कभी साफ नहीं करता क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। वह कई दिनों से नहाया नहीं है और जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है। फिलिप स्प्रिंगबोर्ड में एक छेद बनाता है और पूल को अपने शौचालय के रूप में उपयोग करता है। वह एक बच्चे की तरह छोटे पूल को शराब से भी भरता है और उसमें से पीते हुए उसमें नहाता है। फिर एक दिन वह बार में जाता है और बॉल पर चेहरे बनाता है, उन्हें नाम भी देता है। वह उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके असली दोस्त हों, बस यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को कपड़े की दुकान पर लाता है और एक पुतले से बात करता है जैसे वह उसे पसंद करता है। और जब उसका हाथ टूट जाता है तो फिलिप अपना दिमाग खो देता है। फिर वह फैसला करता है कि वह अब और नहीं जीना चाहता और वह पहाड़ी पर जाता है। वह अपने सभी बॉल फ्रेंड्स को हमेशा के लिए याद रखने का वादा करते हुए उन्हें विदाई देता है। फिर वह अपनी कार को पूरी गति से चट्टान की ओर लाता है, लेकिन अचानक वह दूर से धुआं उठता हुआ देखता है और टकराने से पहले कार को रोक देता है। फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है और वह तुरंत धुएं का पीछा करता है और वह तक पहुंचता है और उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखने के लिए वह पिछले एक साल से भीख मांग रहा था। किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया है। फिलिप उसकी गंध लेता है और वह इतना हैरान हो जाता है कि वह बेहोश हो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह बहकावे में आकर उसकी इच्छा पूरी करने का वादा करती है और उसे चूम लेती है। फिलिप आनंद ले रहा है, पर वह उठता है और उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं, पर उम्र में बड़ी होती है। वह उसे वापस लाने के लिए उसको CPR दे रही थी। हैरानी से वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि लड़की का नाम कैरल है। फिलिप उससे पूछता है कि सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। तब वह उसे बताती है कि उसे अपने गीले पैंट के बारे में देखना चाहिए। यह पता चलता है कि जब वह बेहोश था तो उसने खुद को तैरते हुए पाया और तब उसने पानी में पेशाब की। पर वह अब आक्रामक रूप से समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की घबरा जाती है और डरकर वह एक बंदूक निकालती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है। फिर फिलिप स्वीकार करता है कि उसने वास्तव में पेशाब किया था और वह इससे शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वह उसे बताती है उसने अलाइव इन टक्सन साइन देखा और यह देखने के लिए यहाँ आई कि क्या वास्तव में कोई जीवित है। हालांकि फिलिप एक महिला से मिलने के लिए मर रहा था, पर वह कैरल को देखने के बाद उत्साहित नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद वे गाड़ी से किराने की दुकान पर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कैरल स्टॉप साइन पार करने की शिकायत करती है, जबकि फिलिप का मानना है अब तो ट्रैफिक नहीं है। वह इस बात पर अड़ी रहती है कि उन्हें नियमों का पालन करना होगा, वरना वे एक जानवर की तरह रहने लगेंगे। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह रुक जाता है और दोनों तरफ को देखता है। यह बताता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब वे किराने की दुकान पर आते हैं तो फिलिप पार्क में विकलांग लोगों की जगह पर गाड़ी लगाता है, तो कैरल उससे फिर से बहस करती है, पर फिलिप जोर देकर कहते हैं कि विकलांग लोगों के पास अपनी कार पार्क करने के लिए बहुत सारी जगह है। जब कैरल अभी भी उसे कहीं और पार्क करने का आग्रह करती है तो वो गाड़ी को स्टोर में घुसा देता है। उसके बाद वो घर आते हैं और कैरल उसके रहने के तरीके से नफरत करती है। उसके पास दो स्विमिंग पूल हैं, एक में उसका पॉटी और दूसरे में कचरा भरा है। तब कैरल ने उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया, हालांकि उन्हें पता है कि वह अब किसी की नहीं है। घर के दौरे के अंत तक फिलिप उसे अपने टेंट में वापस जाने के लिए कहता है।
अगली सुबह फिलिप कैरल को उसकी घर की सफाई करते हुए दिखती है। वह उसे दुकान से सफाई का सामान लेने के लिए उकसाती है क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। रात में फिलिप अपने बॉल फ्रेंड्स के पास जाता है और कैरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वे एक विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की सख्त जरूरत है। अगली सुबह वह रहने के लिए बगल के घर में आती है। वह उसे दूर भगाने की कोशिश करता है लेकिन कैरल जिद्दी है और एक जवाब के रूप में फिर फिलिप अपनी पैंट उतार देता है। वह सोचती है कि वे चुने हुए लोग हैं जिन्हें पृथ्वी को फिर से आबाद करने का कर्तव्य दिया गया है। फिलिप का कहना है कि वह उसके साथ नहीं सोएगा भले ही वह पृथ्वी पर आखिरी महिला हो। अगले सीन में जब कैरल उसके पास आती है तो वह अपने शौचालय में होता है। वह चाहती है कि वह उनके घर में पानी लाने का कोई रास्ता खोजे जिससे फिर वे टमाटर और अन्य फल उगा सकते हैं। जब वह मदद करने से इनकार करता है तो वह उसे ताजे टमाटर खाकर उकसाने की कोशिश करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है तो वह उसके बगीचे में घुस जाता है और उसकी सारी सब्जियां खाता है। अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर फिलिप अब भी दावा करता है कि उसने उन्हें चुराया नहीं है। और वह देखता है कि मैनहोल से अपने घर में पानी लाने की कोशिश करते समय कैरल के पैर में चोट लगी है। कुछ दिनों बाद वह एक सभ्य इंसान की तरह जीने की कोशिश करना छोड़ देती है। फिलिप उसे उसके स्विमिंग पूल में शौचालय की नकल करते हुए पाता है। कैरल सोचती है कि उन दोनों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। वे किसी भी तरह से एक संपूर्ण मानव निर्माण करने में सक्षम नहीं है, जबकि वे अपनी मिलियन डॉलर की हवेली में शौचालय की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं। तब वह फिलिप को बहुत बुरा महसूस कराती है, इसलिए वह शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। वह अंत में उसे देखकर खुश होती है और उसे रात के खाने पर आमंत्रित करती है। रात में फिलिप लंबे समय के बाद अच्छे खाने का आनंद लेता है और फिलिप का कहना है कि वह अब उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि कैरल शादी से पहले प्यार नहीं करना चाहती। शुरू में फिलिप हंसता है यह सोचकर कि वह एक मजाक है, लेकिन वह गंभीर हो जाती है। अंत में वे अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। अगले सीन में वे चर्च में अपनी मन्नतें कह रहे हैं, लेकिन फिलिप को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है। पर जब वे चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमानों की भीड़ उनका स्वागत करती है। फिलिप को पता चलता है कि उसने गलती की है तो वह चिल्लाता है। फिर वह अपने बिस्तर पर उठता है और पता चला कि यह एक सपना था। यह सुनिश्चित करने के लिए खिड़की से बाहर देखता है जबकि दुनिया अभी भी मर चुकी है। इसके बाद आखिरकार शादी का दिन आता है। कैरल सजावट और केक तैयार करती है जबकि फिलिप को उनके लिए रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रिंग लाने के बजाय वह अपने बॉल फ्रेंड्स के लिए एक बैचलरेट पार्टी रखता है। एक पार्किंग जगह में चीजों को आग लगा देता है। यहां तक कि वह पुतले को अलविदा कहने भी जाता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बनी रहेगी। रात में वह चर्च जाता है जहां कैरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को अंजाम देगी। अंत में रिंग पहनने का समय आ गया है तो वह रिंग लाया ही नहीं था। तब उसे पता चलता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है और वह वहां से चली जाती है। बाद में फिलिप उसके घर आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती, इसलिए वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ता है और घर में आता है। उसे सरप्राइज करने के लिए उसने वास्तव में इसे सजाने का प्रयास किया है। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया है। उसने जो किया उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है और वह उससे माफी मांगता है। वह यह भी बताता है कि वह वास्तव में उसके पकाए खाने को पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि वह साथ में मौजूद है क्योंकि उसके बिना वह अभी जीवित नहीं होता। इतना कहने के बाद फिलिप उसे बाहर लाता है और वे एक गहने की दुकान पर जाते हैं जहां कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग मिलती हैं। वे अंत में शादी को अंजाम देते हैं। रात में दोनों प्यार करते हैं लेकिन कैरल रात भर बात करना बंद नहीं करती। अगली सुबह वह उसे अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। फिलिप को लगता है कि वह उसे फिर से सताने जा रही है लेकिन वह उस खेल में शामिल होती है, जिसके बाद वे दिन का आनंद अग्निरोधक सूट बनाते हैं और एक दूसरे को आग लगाते हैं, बियर के डिब्बे पर बुलडोजर चलाते हैं और फिलिप की पूर्व प्रेमिका से मिलने जाते हैं। उसके पति पर ट्राय मारने के लिए कैरल उसे पीटने लगती है। पहली बार फिलिप खुश है कि उसने उससे शादी की और सोचता है कि उनका जीवन अब बेहतर हो सकता है। और जैसे ही वे घर वापस जा रहे थे तब उन्होंने अचानक एक जंक्शन पर एक लिमो को टक्कर मार दी। तब हैरान फिलिप देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसमें से निकल रही है, तो उसे अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होती है। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।